उत्तर प्रदेश के बाराबंकी चंपत से बड़ी खबर बता दें आपको, जहां पर अवैध रूप से चल रहे प्रसाव केंद्र ने ली जच्चा बच्चा की जान। प्रसाव के दौरान रुपयों की मांग ना पूरा करने में हुई देरी के चलते जच्चा बच्चा की जान चली गई। कई वर्षों से अवैध रूप से चल रहा था जच्चा बच्चा केंद्र। जच्चा बच्चा की मृत्यु के बाद केंद्रीय संचालित मौके से फरार हो गया। घंटों मृत हालत में जच्चा बच्चा केंद्र के बाहर पड़ा रहा शव। मौके पर परिजनों में भारी आक्रोश व्यक्त रहा। मृतक के पति ने दी कोतवाली में तहरीर। पूरा मामला बाराबंकी जनपद के कोतवाली बदोसराय के रसूलपुर गांव का है। दूसरी बड़ी खबर बता दें आपको, जहां पर दो मोटरसाइकिल की आमने सामने की हुई जोरदार भिड़ंत। मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोग हुए गंभीर रूप से घायल। माता पिता के साथ मोटरसाइकिल पर 2 साल की बच्ची को नहीं लगी चोट। साथ ही आपको बता दें कि दुर्घटना में घायल माता पिता को देख कर दहशत में ज्यादा हुई बच्ची, और साथ ही प्यार से जवानों ने खिलाकर उसे खिलाया पिलाया और शांत कराया। साथ ही आपको बता दें कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची PRV 112 ने घायलों को CSC सरौली गौसपुर में भर्ती कराया। 2 लोगों की हालत गंभीर है, साथ ही डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पूरा मामला बाराबंकी जनपद के बदोसराय कोतवाली के टिकुरी गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल बाराबंकी जनपद में उत्तर प्रदेश के लिए ABN News 24 की ब्यूरो रिपोर्ट।